Here I am going to discuss some issues which could arise while sharing the record of a child. With respect to general treatment situation, a patient or a guardian usually is the personal representative of a minor child. A healthcare provider is permitted to share client's information with client's personal representative under the privacy rule. Like a situation, you have to provide certain information.

जहाँ पर हम ये इज्यूम कर रहे हैं कि एक बच्चे का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उसका पेरेंट या गार्डियन नहीं समझा जाएगा लाइक इन अनारियो वैन स्टेट और अदर लॉज नॉट रिक्वायर द कंसेंट ऑफ अ पेरेंट सिचुएशन है जिसमें कंसेंट की ज़रूरत ही नहीं है और अदर पर्सन बिफोर अ माइनर कैन ऑप्टेन अ पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विसेज लाइक जहाँ पे हमें लगता है कि उस बच्चे के लिए हमें ये ज़रूरत ही नहीं है कि कोई पेरेंट या गार्डियन जो है वो अपना कंसेंट दे तो वहां पर इस चीज़ से अपस्टेन किया जा सकता है द माइनर कंसेंट टू देल्थ केयर सर्विसेज हेल्थ केयर सर्विस में इसलिए हमें माइनर uh, का जो कंसेंट है वो नहीं चाहिए होता क्योंकि वो उसकी एक बेसिक नीड है कि उसे वो प्रोवाइड किया जाए uh, चाहे वो कोई एमरजेंसी सिचुएशन हो कोई रेगुलर सिचुएशन हो लेकिन एक्सेस टू बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी उसका राइट right है उसके लिए कंसेंट की जरूरत नहीं है

और एक जो उनका बच्चा है उनके बीच में जो बाइंड है उसको एक्सेप्ट करते हैं दे कैन वर्क टुगेदर एज वन टू वन पार्टी सो वो खुद ही उसके लिए वॉल्टियर कर देते हैं इफ पेरेंट्स आर सेपरेटेड एंड ईच वन ऑफ देम इज नॉट विलिंग टू शेयर द थेरेपी डिटेल्स विद द अदर पेरेंट्स ऐसी सिचुएशन के अंदर भी पेरेंट्स uh, जो हैं उनको एक पर्सनल स्टेक होल्डर्स नहीं समझा जाएगा जब वो uh, किसी ऐसे सरियो में जहाँ पर वो सेपरेशन में है तो वहाँ पे बच्चे का सारा रिकॉर्ड और एक्सेस जो है वो पेरेंट्स को नहीं दी जाएगी फॉर एक्जाम्पल इन समस कस्टडी अ कोर्ट में अपॉइंट अ लॉयर फॉर द चाइल्ड ऑफन कॉल्ड अ गार्डियन और लिटम टू रिप्रेजेंट द चाइल्ड बेस्ट इंट्रस्ट यहाँ पर भी हम ऐसे सिनेरियोस देखते हैं जहाँ पर बच्चे जो हैं उनको दारुल अमान से कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है या उनको चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से कोई रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है और इसी तरह डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट सनारी में बच्चे की कस्टडी जिस भी स्टेक होल्डर्स के पास होती है वो एक आ, कोई उसका अपॉइंट कर देते हैं रिप्रेजेंटेटिव जिसको लॉयर भी कहा जा सकता है या उसको कोई भी नाम दिया जा सकता है बट वो बच्चे का स्पोक पर्सन होता है रादर देन द पेरेंट्स हु आर लिविंग इन अ सेपरेशन स्टेटस या इसी तरह की किसी और प्रॉब्लम के साथ पेरेंट्स का बैकग्राउंड होता है

When a parent has lost or given up their parental rights for example the biological parent of an adopted अडोप्टिड uh, child would not typically have a right to treatment information. लाइक like, अपने बच्चे को आपने किसी को अडोपशन uh, के लिए दे दिया और वो किसी और ने अडोप्ट कर लिया ना बायोलॉजिकल पेरेंट्स कैन नॉट सी मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट एक्सेस और उनको ये राइट नहीं है कि वो उसको स्टडी कर सकें और वो देख सकें कि उनका बच्चा जो है वो क्या ट्रीटमेंट सीख कर रहा है वेन द चाइल्ड इज इमेंसिपेटेड चाइल्ड इमेंसिपेशन इज एन अ माइनर बिकम लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन केयर बिफोर द एज ऑफ फोर्टीन ना डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट सोसाइटीज में ये एज डिफरेंट हो सकती है पाकिस्तान में जैसे फोर्टीन ईयर्स का जो बच्चा है वो अपना कंसेंट खुद दे सकता है तो कोर्ट उससे पूछ सकता है कि आप जो है वो अपने पेरेंट्स में से किस को चाहते हैं कि आपका राइट टू इंफॉर्मेशन मिले या आपकी ट्रीटमेंट की डिटेल्स किस पेरेंट को दी जाए in those scenarios the child has the right of okay, parents ke paspo right nahin hota but this age could be varied across different countries so these are some of the scenarios in which the access to child record may not be given to the parents and they need to be given to the specific individuals where the court is the decision authority where the lawyer is a decision authority and in certain cases even a minor child is also having an access and information and he can decide that who can see his records or not.